हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाई फाई स्टडी पे, विच इज़ पार्ट ऑफ एन अकेडमी, है ना। दोस्तों दो सेंटेंस आप लोगों के सामने हैं। काफ़ी दिनों से सेंटेंस नहीं लाया था, अंतर बताओ तो जाने का सेशन चल रहा था, लेकिन आज हम सेंटेंस वाला सेशन लेके आ गए हैं। ठीक है, तो दो सेंटेंस आप लोगों के सामने। एज इट वॉज रेनिंग वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर, और दूसरा एज इट वॉज रेनिंग वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स, है ना। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सही और गलत सेंटेंस के बारे में। तो बच्चों ध्यान रखो, ऊपर वाला जो सेंटेंस है आपके, वो आपके गलत हो गया है ना, ठीक है। और जो नीचे वाला सेंटेंस है आपके, वो आपके एकदम सही है, एकदम परफेक्ट सेंटेंस है, आपके एकदम सही हो गया है ना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आपको सेंटेंस देख के समझ तो आ ही गया होगा कि कहानी इन दो शब्दों के ऊपर टिकी हुई है, इनडोर और इनडोर्स। इनके ऊपर सारा का सारा खेल इन दोनों सेंटेंस के सही होने का टिका हुआ है ना। अब देखते हैं भैया कि क्या लॉजिक्स हैं, कैसे ये सेंटेंस सही गलत हुए हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं ना। तो बच्चों ध्यान रखो, ठीक है, ध्यान रखो यहाँ पे आपके सामने दो वर्ड है। पहला वर्ड है इंडोर और दूसरा वर्ड आपके इंडोर्स, दूसरा आपके सामने इंडोर्स। दोनों के बीच में अंतर क्या है बच्चों, है ना। दोनों के बीच में अंतर आप लोगों को पता है क्या, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। दोनों के बीच में हल्का सा अंतर बच्चों ये होता है कि ये वाला जो इंडोर होता है, ये बेसिकली आपके किसकी तरह इस्तेमाल होता है, ये आपके एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इसके बाद में आपको क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए, राइट, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, है ना। और ये वाला जो इंडोर्स है, ये बेसिकली आपके एक एडवर्ब होता है, जो कि क्या करता है, आपके किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आता है जी, है ना। आसान है, आसान सा कॉन्सेप्ट है सब, है ना। अब आपने सुना होगा इंडोर गेम्स, कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा इंडोर्स गेम्स, नहीं सुना होगा ना, इंडोर गेम्स, ठीक है। ऐसे ही आपने ये भी सुना होगा इंडोर टेनिस कोर्ट, इंडोर, ठीक है, टेनिस कोर्ट, ये भी आपने सुना होगा। तो यहां पर बच्चों देखो, ये कोर्ट हो गया, गेम्स हो गया, ये बेसिकली आपके नाउन है। यहां पे इंडोर किसकी तरह काम कर रहा है, आपके एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, राइट। अब इधर देख लो भैया, यहां क्या हो रहा है सीन बच्चों, ये वाला जो इंडोर्स होता है, आपके एडवर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक, मैंने सेंटेंस लिखा आई डोंट like to spend my entire day in my entire day in indoors, है ना। कि मुझे अपना पूरा दिन जो है, I don't like to spend my entire day indoors, है ना। मुझे अपना पूरा दिन जो है basically आपके indoors में, यानी कि अंदर जो है बेसिकली कमरे के अंदर जो है बिताना, मतलब अंदर रहना, घर के अंदर रहना, किसी कमरे के अंदर रहना, इंडोर्स हो गया, मुझे पसंद नहीं है ना। तो यहाँ पे हमने इंडोर्स का प्रयोग करा, एडवर्ब फॉर्म का प्रयोग करा, और एडवर्ब फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो ही सेंटेंस आपके सही होगा, ठीक है। किसको क्वालिफाई कर रहा है सब आपके, ये स्पेंड करने को, है ना, टाइम को स्पेंड करने के बारे में बात कर रहा है। इसको क्वालिफाई करने के लिए इन्फिनेटिव आपके वर्ब की फॉर्म में होती है, जो कि नाउन की तरह फंक्शन करती है। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपके यहाँ पे इंडोर्स आ रहा है सब आपके, ठीक है। चलो, तो हमने यहाँ पे देखा बच्चों कि इंडोर्स आपके एडवर्ब होती है, इंडोर आपके एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे सेंटेंस है क्या, ऐसा ही सेंटेंस है, एज इट वॉज रेनिंग वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स करेंगे, यानी कि यहाँ पे टू स्टे को क्वालिफाई करने के लिए हमें इंडोर्स चाहिए, एडवर्ब फॉर्म चाहिए, ना कि एक एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए। तो नीचे वाला सेंटेंस आपके सही हो गया, ऊपर वाला सेंटेंस आपके गलत हो गया। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग शायद नहीं होगा बहुत सारे बच्चों के लिए, लेकिन लर्निंग जो है बच्चों वो इंपॉर्टेंट होती है ना। कोई छोटी सी चीज भी अगर आपको कोई अच्छी चीज सिखा के जाती है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत मायने रखती है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ना। अच्छा बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो बच्चे प्लस कोर्स में इंटरेस्टेड है, अनअकैडमी के प्लस कोर्स, क्योंकि मेरा वहां ग्रामर का बैच भी चल रहा है, वोकैबुलरी का बैच भी चल रहा है, तो बच्चे जो प्लस कोर्स में इंटरेस्टेड है, उन लोगों के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मेरा रेफरल कोड है। अगर आप प्लस कोर्स खरीदना चाहते हो, तो मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल करें, जो कि आपके हर्ष 11। सर एक बार इमेज दिखा देना, ठीक है, ऐड कर लेना इमेज, ठीक है। सो हाँ जी, तो कोड देख लीजिए आप, हाँ जी, तो ये बेसिकली आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये मेरा सीपीओ का कोर्स चल रहा है, जो कि ऑनगोइंग बैच है, और बाकी के बैचेस जो है वो थोड़े से पुराने हो गए, तो और भी इंटरेस्टिंग बैचेस मेरे आने वाले हैं। तो प्लस कोर्स के बहुत सारे फायदे हैं, आपको करना क्या है, आपको बेसिकली मेरा कोड का इस्तेमाल करना है। फिर से एक बार स्क्रीन पे आपके नज़र आएगी, नज़र आपके इमेज आ रही है, जिस पे आपको
कोड मेरा नजर आ रहा होगा हर्ष 11, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ना। तो बच्चों ध्यान रखिए, प्लस कोर्स के लिए आप इस कोड का प्रयोग करना ना भूले। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।